संबंधित के वी ऑल आर नॉट परफेक्ट, के हम सब परफेक्ट नहीं है, के वी हैव अ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर अवर सेल्फ, के एंड वी शुड नो अबाउट दैट कि यस दिस थिंग्स वी कैन इंप्रूव दिस थिंग्स, के सम थिंग्स कैन नॉट बी इंप्रूव जस्ट बिकॉज ऑफ दी आपका एटीट्यूड वैसा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग को आप इंप्रूव कर सकते हैं, okay? और नेवर थिंक जब हम कभी किसी के सामने ओपिनियन देते हैं, कुछ बोलते हैं, जजमेंटल बन जाते हैं ना, तो जब हम हमने कहा वो आदमी बुरा है, वो अच्छा है, okay? वो ठीक नहीं कर रहा है, okay? तो मतलब हम जजमेंट, हम जज की भूमिका में आ गए, हम उसे जज कर रहे हैं, okay? और जज की भूमिका में आने के लिए आपको पहले तो अपने आप को जज करना पड़ेगा कि हम कितना रिलेवेंट है उस चीज पर कमेंट करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि नेवर बी जजमेंटल, ठीक है? बायोमेंटर्स के कमांडोस को जिंदगी में कुछ चीजें गार्ड मान लेनी है। नंबर एक कि आपको कभी जजमेंटल नहीं बनना, ठीक है? दुनिया में कोई कुछ भी बोले, ठीक है? हम ना तो हिंदू मुस्लिम में सिख ईसाई में कभी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है? कोई कुछ ही बोले, ठीक है? हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा जो है वो हमें सिर्फ इतना पता है कि हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, और मानवता ही हमारा धर्म है, मानवता ही हमारा राष्ट्र है, मानवता ही हमारा सब कुछ है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? इस बाकी जो आपको दिखाई पड़ती सीमाएं, बॉर्डर्स और जितनी चीजें आपको दिखाई पड़ती रिलीजन, सब चीजें हमने बनाई है, वी क्रिएटेड, के है ना? लेकिन ईश्वर ने पक्षियों को भी बनाया उसने, के उसने जो है वो तमाम तरह के दूसरे क्रिएचर बनाया उसने, के तो जितने भी क्रिएचर दुनिया में, यदि आप उसको जो है वो खुले दिमाग से देखेंगे तो आपको एक उड़ने वाला पक्षी है, उसको कभी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? ठीक, हवा चल रही है, उसे कोई वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी बह रहा है, कोई वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको। हम इंसान है जो सीमाएं खड़ी कर देते हैं, हम इंसान इसने कि पूरे विश्व को जो है कई हिस्सों में बांट दिया, ठीक है? मैं कहता हूं राष्ट्र प्रेम आदमी को होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है, उठके लेकिन प्रेम दूसरे से नफरत कर नहीं होता कभी, ठीक है? मैं सबके लिए बोलता हूं बात के, चाहे जो जो मेरा लेक्चर दी दुनिया के तमाम देशों में जहां भी लोग देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि राष्ट्र प्रेम प्रेम है, प्रेम है आपका अपनी मातृभूमि के लिए, और प्रेम में नफरत के लिए जगह नहीं होती है, ठीक है? तो सामने वाले से नफरत करके अपना प्रेम हम प्रकट करें, ये मूर्खता है और कुछ नहीं है, ठीक है? हमको अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि आसपास के लोग जो है वो हमसे जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है? हमसे जो है वो जुड़े वो लोग, और वो कौन कर सकता है? वो मेरा कमांडो, मेरे जो योद्धा है, जो यूथ है, वो कर सकता है। परिवर्तन बेटा, कोई इस पूरी दुनिया में कोई परिवर्तन लाएगा ना, वो सिर्फ आप लाएंगे, कोई तीसरा आदमी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है? इंसान ही परिवर्तन लाएगा, और वो आप आने वाली पीढ़ी के। चलिए, तो अभी